क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो मैथ्स को किस तरीके से हमें स्टडी करना है ये ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हम केवल क्वेश्चन सॉल्व करें बिना बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए। जैसे हमने लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ये जानते हो कि ये एक इक्वेशन का पार्ट है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन जानना होगा, ठीक है। ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टडी करेंगे, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है इसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि इक्वेशन और आइडेंटिटी दो पार्ट्स होते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, या हो सकता है जैसे आने वाले टाइम में ट्रिगोनोमेट्री करोगे, वैसे तो क्लास टेंथ में कर चुके हो साइन कॉस टैन ये सब, तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। यानी मुद्दे की बात ये है कि हमें इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल और आइडेंटिटी के फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन स्टडी करना है। क्या करना है, एक्सप्रेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेशंस। यहां पर जो हम ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखो क्या होता है, एकदम बेसिक डेफिनेशन हमें ध्यान रखना होता है कि एक्सप्रेशंस, जानते हो एक्सप्रेशन मतलब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं फेस एक्सप्रेशन वगैरह, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं ना। तो उसमें हमें ध्यान ये देना होता है कि बचपन से अलजेब्रिक ऑपरेटर किए होंगे, आगे चल के कैलकुलस ऑपरेटर ये सब भी करना होगा। अलजेब्रिक ऑपरेटर बच्चों कितने टाइप के होते हैं, चार, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक ऑपरेटर, क्लियर। अब यहां हम ध्यान दें, यदि अलजेब्रिक ऑपरेटर है यानी प्लस ले लेते हैं बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी वेरिएबल ले लिया हमने x, कांस्टेंट ले लिया 2, कुछ भी ले सकते हैं, एक बार भी अलजेब्रिक ऑपरेटर ले सकते हो, एक से ज्यादा बार भी ले सकते हो, जैसे हमने यहां पर लिख दिया -3x2, ठीक। तो ये सब क्या हो गया, दिस इज द एक्सप्रेशंस। लाइक एक्सप्रेशंस में x का पावर 2020 चल रहा है ना अभी, -2 × x^199 +5, ये भी क्या है, ये भी एक एक्सप्रेशंस है। बार बार कह रहे हैं बच्चों, एक्सप्रेशंस का मतलब हम यहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहे हैं, एक्स के जगह पर कहीं पर साइन एक्स दे दिया जाएगा तो उसको ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशंस बोलोगे, एक्स के जगह पर लॉग यूज किया जाएगा, आगे आएगा इलेवेंथ में लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन देखोगे। यहां पर हम बार बार क्या बोल रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्लियर। तो ये हमें ध्यान देना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी एक्सप्रेशंस क्या होगा। तो इसको डिफिनेशन वाइज देखो कैसे ध्यान रखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर मतलब प्लस या माइनस होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशंस मे बी अलजेब्रिक और अदर थिंग, जैसा कि बताया। अब देखो ये हो गया एक्सप्रेशंस, ये भी हो गया एक्सप्रेशंस। देखो बच्चों एक्सप्रेशन एकदम बेसिक है, समझ में आ गया ना। एक्सप्रेशंस बेसिकली हम दो टाइप के लेते हैं, ठीक है। एक होता है जैसा कि किए हो इक्वेशन, और दूसरा हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ लोग पहले से जानते होंगे, आइडेंटिटी, ठीक है। ये होता है एक्सप्रेशन के दो पार्ट, इक्वेशन और आइडेंटिटी। बेसिकली इक्वल टू का साइन जब लगाते हो ना, जैसे एक्सप्रेशन में हम इक्वल टू का साइन लगा दें तो उसको बोलते हैं या तो इक्वेशन या आइडेंटिटी, दोनों में से। अब बच्चा सोचेगा कि किसको इक्वेशन बोलेंगे और किसको आइडेंटिटी बोलेंगे, तो उसके लिए बेसिक कुछ डिफिनेशन याद रखना है। इक्वेशन किसको बोलेंगे, देखो हम केवल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, टॉपिक भले हमने क्वाड्रेटिक लिख रखा है, अभी हम केवल इक्वेशन और आइडेंटिटी पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि इसी पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। इक्वेशन और आइडेंटिटी, हम किसको इक्वेशन बोलेंगे किसको आइडेंटिटी बोलेंगे, तो इसके लिए ध्यान रखना है कि इक्वेशन जो होता है
बेसिकली एक्सप्रेशन में हम इक्वल टू का साइन लेंगे, इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू का साइन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो पार्ट आ जाएगा जब इक्वल टू है, तो या तो वो इक्वेशन होगा या क्या होगा बच्चों, आइडेंटिटी होगा। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी बोलते हैं ऐसा एक्सप्रेशन जो कि डिफाइंड होता है सभी एक्स या जो भी वेरिएबल लिया हुआ है उनके वैल्यूज के लिए, है ना, डिफाइंड फॉर ऑल, डिफाइंड फॉर ऑल वैसे कंप्लीट मैथ्स इज बेस्ड अपॉन रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर, बाकी सारा चीज रियल लेना है। डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ठीक है, जो भी वेरिएबल दिया हुआ रहेगा, किसी क्वेश्चन में एक्स होता है, किसी क्वेश्चन में वाई हो सकता है, किसी में टी भी हो सकता है, साइन एक्स भी हो सकता है, कुछ भी। डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल उसको बोलेंगे आइडेंटिटी। अभी एग्जांपल देंगे, ठीक है। इक्वेशन अब किसको बोले, मतलब जो सभी के लिए डिफाइंड ना हो, तो सभी के लिए डिफाइंड ना हो मतलब एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए डिफाइंड हो, टू वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिफाइंड हो, है ना, थ्री वैल्यूज, फोर वैल्यू, मे बी नंबर ऑफ एक्स 2020, कुछ भी हो सकता है लेकिन काउंटेबल होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं डिफाइंड फॉर, क्या बोलोगे बच्चों, डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। पर्टिकुलर मीन्स हमें पता है कि इतने ही हो सकते हैं, पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो ये सब बेसिक डिफिनेशन ना हमें ध्यान रखना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्लियर। यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमने डिफिनेशन ही लिखा है, ठीक है। डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, एकदम एलिमेंट्री एग्जाम्पल ले सकते हो इसका। एग्जाम्पल यदि एलिमेंट्री ले लेते हैं, ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं इसका, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले, देखो एग्जाम्पल से ना सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं 2x + 3 = 0। अब इसमें इक्वल टू का साइन है, सोचना है कि ये क्या होगा, इक्वेशन होगा या आइडेंटिटी होगा। तो हम इसमें देखो एक्स वैल्यू मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू, इसमें हम -3/2 रखते हैं, एक्स क्या रखते हैं -3/2, तो यहां से क्या आ जा रहा है, LHS आ रहा है 0, जो कि RHS भी है 0, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब x का एक वैल्यू आ रहा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यदि x इज इक्वल टू हम 1 रखते हैं तो LHS तो देखो आ रहा है, LHS कितना आ रहा है 5, RHS कितना आ रहा है 0, वो तो दिया ही हुआ है, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन, यदि हम इसको एक्सप्रेशन बोले, क्या बोलोगे एक्सप्रेशन, यदि हम इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज डिफाइंड ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स, नॉट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, सो दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ये क्या हो गया भाई, इक्वेशन हो गया, ये EQN का मतलब इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन, क्लियर है। ये मतलब इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसमें एक वैल्यू, दो वैल्यूज, तीन वैल्यूज, चार वैल्यूज, काउंटेबल 20, 2 लाख, कुछ भी आ सकते हैं, बट नॉट डिफाइंड फॉर ऑल। यदि सारे के लिए डिफाइंड होगा तब हम उसको आइडेंटिटी बोलेंगे। अभी जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कैसे, तो सारे रहेंगे वही इक्वेशन ही रहेंगे। नाउ देखो आइडेंटिटी का यदि हम एग्जांपल लें, आइडेंटिटी का एग्जांपल, ठीक है, कोई भी इसका भी ले लेते हैं, x + 1 - x - 1 = 4x, ठीक, कोई भी ऐसा हम कंसीडर करें एक्सप्रेशन। अब इसमें देखो यदि हमने इस एक्सप्रेशन में, देख रहे हो ना, यदि इस एक्सप्रेशन में x के जगह पर 2 रखे, क्या रखे
टू। यदि हम x के जगह पर टू रखते हैं, कैलकुलेशन, टू वन थ्री स्क्वायर नाइन, टू वन वन स्क्वायर वन, नाइन माइनस वन एट, फोर इंटू टू एट, सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स यदि थ्री रखे तो थ्री वन फोर स्क्वायर सिक्सटीन, थ्री वन टू स्क्वायर फोर, सिक्सटीन माइनस फोर ट्वेल्व, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व। अरे ये तो सारा कर रहा है। अब कुछ स्टूडेंट यदि इसको गौर से देखें तो उनको क्या फील होगा, अरे ये तो पुराना फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए बी। ये तो फॉर्मूला है। बेसिकली फॉर्मूले किसको बोलते हैं, जिसमें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस किसी भी वेरिएबल के लिए। सपोज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, याद है। होता क्या है, ए और बी कुछ भी रखोगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होता है। तो इसी के लिए तो उसको फॉर्मूले बोलते हैं। मतलब जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जितने भी क्या हैं फॉर्मूलेज है, वो किसी भी वेरिएबल के लिए डिफाइंड है। यदि वो फॉर्मूले हैं तो इसका मतलब जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, आइडेंटिटी हो जाएंगे। वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आइडेंटिटी। यही हमें ध्यान देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन था, कुछ एक के लिए डिफाइंड हो रहा था, आइडेंटिटी है सभी के लिए डिफाइंड हो रहा है। इससे हमें यह भी सीखने को मिला कि आइडेंटिटी का मतलब डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज, आइडेंटिटी का मतलब सारे सही वाले फॉर्मूले, सारे सही वाले फॉर्मूले, ठीक है। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी क्लियर है ना। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखो क्वाड्रेटिक को तो अभी करेंगे, अभी हम पहले इक्वेशन और आइडेंटिटी, जिसमें इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी फैमिलियर होंगे बच्चे, लीनियर देखे होंगे। तो हम कुछ कुछ क्वेश्चन जो जेई मेन में भी आइडेंटिटी पर बेस्ड आए हुए हैं, एकदम आसान क्वेश्चन, वो हम सारा कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है, ओके ना। अब हम इसमें लेते हैं आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है भाई। आइडेंटिटी का मतलब डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल है। जैसे यदि हमने एग्जांपल लिया, देखो एक बता सकते हो ना क्वेश्चन, मान लिया जाए हमने लिखा a माइनस बी टू द पावर थ्री, ठीक, फॉर्मूला जानते हो, वही लिख देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, ये हमने लिखा। हम ये नहीं बोल रहे हैं ये फॉर्मूला है या क्या है, हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है। अब कोई बताओ कि ये इक्वेशन है या आइडेंटिटी है, बताओ, इक्वेशन है या आइडेंटिटी है, गौर से देखा करो भाई, है ना। किसी को भी देखते हैं ना, मतलब डेटा सेटिंग मैथमेटिक्स में उसके लिए जरूरी है कि हम उस क्वेश्चन को गौर से देखें, है ना। जैसे देखते हो ना इधर उधर, वैसे ही हम मैथ्स के क्वेश्चन को भी गौर से देखेंगे ना, तो वो कुछ ना कुछ बोलना शुरू करेगा, अपने आप आंसर आ जाएगा, कुछ तो रहते ही हैं ऐसे। अब जैसे बच्चा बोलेगा अरे ये तो फॉर्मूला है, ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, ट्राई करते हैं। ए हम रखते हैं टू, बी रखते हैं जीरो, कुछ भी रख सकते हैं भाई, ठीक है। ऐसा करने से एल एच एस कितना आ गया, टू माइनस जीरो क्या होता है भाई, टू पावर थ्री यानी एट। आर एच एस देखो कितना आ गया, बी तो जीरो है, किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। एट जीरो 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 यानी एट आ गया, यानी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, क्लियर, सही है। और एग्जाम्पल, एक से तो कुछ होता नहीं है ना, हमें दो तीन रखने होंगे। सपोज ए इज इक्वल टू टू रख लिया, बी इज इक्वल टू वन रख लिया, ठीक। ए यदि टू रखते हैं और बी क्या रखे, वन रखे, तो एल एच एस कितना आया, टू माइनस वन, वन का पावर थ्री वन,
आरएचएस देखो, आरएचएस कितना है 8, बस कोई डेटा रखना है 8 माइनस 1 माइनस 3 टू 1 यानी 6 प्लस ये है 3 इंटू 4 प्लस इंटू 1 यानी 12। ये कुछ भी आ रहा है भाई, क्या नहीं आ रहा है? ये 1 तो नहीं आ रहा है ना, ये तो 13 आ गया। अब देखो जिस बच्चे को लग रहा था कि ये फॉर्मूला है वो गलत हो गया, क्योंकि ये तो फॉर्मूला होता तो LHS इज इक्वल टू RHS तो हर केस में आता आता ना भाई, लेकिन नहीं आया। इसका मतलब हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि ये क्या है? मुद्दे की बात ये है, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब एक भी पॉइंट एक भी कंडीशन के लिए नहीं आया। सो इक्वेशन, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है 99% केस में पता है क्या है, कोई चीज होता है और नहीं होता है, रिजल्टेंट नहीं होता है लेते हैं, जैसे यस प्लस नो इज इक्वल टू नो इन जनरल है ना, रियल प्लस नॉन रियल इज नॉन रियल, रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल, ये सब हम ध्यान रखते हैं। तो ये इक्वेशन हो गया, क्योंकि एक कंडीशन में हो रहा था एक कंडीशन में नहीं हो रहा था, तो हम नहीं वाला लेंगे, यानी नॉट डिफाइंड फॉर ऑल। अब देखो सोचो ये कैसे हो गया, तो यदि इसको गौर से देखोगे, देख रहे हो ना, इसको यदि हम गौर से देखें तो ये हमें फील होगा कि दिस इज ए रॉन्ग फॉर्मूला, बेसिकली ये एक गलत फॉर्मूला है, बेसिकली अ रॉन्ग फॉर्मूला इज रिटन। सही फॉर्मूला बच्चों याद है, सही फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी टू द पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी, ये वाला माइनस में होता है और ये वाला प्लस में होता है, ठीक है, ये दोनों जो है ना ये हमने प्लस और माइनस इंटरचेंज कर दिया था इस वजह से, अदरवाइज यदि माइनस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी स्क्वायर होता तो ये सभी के लिए डिफाइंड होता। इसका मतलब हमें इससे क्या सीखने को मिला, सारे फॉर्मूले आइडेंटिटी नहीं होते हैं, जैसे होता है ना सारे काम अच्छे नहीं होते हैं, जो बुरे भी होते हैं वो भी काम ही होते हैं, वर्क वो भी वर्क ही होता है, वैसे ही जो सही वाले फॉर्मूले हैं वो आइडेंटिटी है, जो गलत फॉर्मूले हैं जो किसी को सही लग रहा था किसी को नहीं भी लग सकता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन, यानी ये रॉन्ग फॉर्मूला था इस वजह से ये इक्वेशन हो गया, सही होता तो ये आइडेंटिटी होता, क्लियर। तो ऐसे ना हमें बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है कि क्या होगा, ठीक है, याद रहेगा ना, यहां तक क्लियर है, सही। इसका मतलब इक्वेशन क्या हो गया बच्चों, डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, आइडेंटिटी क्या हो गया, डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, क्लियर नाउ। अब देखो हम नेक्स्ट पेज में इसी पेज में रहते हैं, क्योंकि ये सब तो छोटे मोटे एग्जांपल है, ठीक है, यदि हम इसको ध्यान दें कि देखो क्या होगा, अब आइडेंटिटी बेस्ड हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन, ठीक है, आइडेंटिटी हम इस पेज में रहते हैं, आइडेंटिटी में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिटी का मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि इफ दिस इक्वेशन या इफ दिस एक्सप्रेशन इज एन आइडेंटिटी इन एक्स, या ये भी लिखा हुआ रह सकता है कि इफ दिस एक्सप्रेशन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, दोनों केस में हम ले सकते हैं आइडेंटिटी का ही कंसेप्ट। देखो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन में देखो बच्चों कैसे आते हैं, आइडेंटिटी आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स में एकदम बेसिक कैसे ले सकते हैं, ठीक है, यदि आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स है, जैसे सिंपल क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि इफ ए एक्स प्लस बी जो है इज इक्वल टू 4 इज एन आइडेंटिटी इन एक्स, ये किस आइडेंटिटी किस में है, एक्स में, तो जिसमें आइडेंटिटी होता है ना
जिसमें आइडेंटिटी होता है वो वेरिएबल डिफाइन सबके लिए ट्रू होगा, LHS और RHS, बाकी चीज ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब x तो कभी पूछा नहीं जाएगा, तो फाइंड a और b। भाई x में आइडेंटिटी है, इसका मतलब डिफाइंड फॉर ऑल x, तो जब सभी के लिए डिफाइंड है तो x कैसे पूछा जाएगा भाई, नहीं पूछा जाएगा ना। तो a और b कुछ तो पूछा जाएगा भाई, a और b पूछा जाएगा, फाइंड ए एंड बी। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, मुद्दे की बात यह है आइडेंटिटी मीन्स एग्जैक्टली सेम फॉर्म इन LHS एंड RHS, क्लियर। देखते हैं, ये बताओ बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड x का कोफिशिएंट क्या है, ए है। लेफ्ट हैंड साइड एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए, ठीक है। राइट हैंड साइड एक्स का कोफिशिएंट क्या है, नहीं है। जो नहीं होता है वो क्या होता है भाई, जीरो होता है। जीरो मींस क्या होता है, नथिंग। जैसे पूछे कि हम अपने क्लासरूम में जो क्लासेस चल रही है उसमें नंबर ऑफ एलियंस कितने हैं जो क्लास कर रहे हैं, तो ऐसे तो हम कमेंट नहीं कर सकते, तो हम क्या बोलेंगे, जीरो। भाई जो नहीं होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। वैसे जीरो के बारे में और ज्यादा जानना होगा आगे। लेफ्ट हैंड साइड एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए। राइट हैंड साइड एक्स का कोफिशिएंट क्या है, जीरो। सो ए इज इक्वल टू जीरो हो गया। देखो कितना आसान है। लेफ्ट हैंड साइड कॉन्स्टेंट टर्म इज बी, बी है ना। राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट टर्म इज 4, इसका मतलब b इज इक्वल टू 4। आंसर आ गया, सोचो कितना आसान आसान होते हैं भाई, क्लियर है ना। आइडेंटिटी मीन्स एग्जैक्टली सेम फॉर्म। इस क्वेश्चन में इज एन आइडेंटिटी इन x लिखा हुआ है या इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, एक ही चीज है। एग्जैक्ट इसी पर बेस्ड क्वेश्चन जो जेई मेन में आया था, देखो वो करते हैं। यहां तक क्लियर है ना, ओके। ये हो गया एक तरह से फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो मेन क्वेश्चन ही हम पेज में रखेंगे, ठीक है। ये तो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है। इसमें जो जेई मेन में क्वेश्चन आया था वो ये पूछा गया था, दी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच, जिसके लिए, कोई भी छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं ना, फॉर विच द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6x प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी इन एक्स या इज डिफाइंड फॉर। देखो हम अलग अलग फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसके पुराने क्वेश्चन में हमने लिखा था कि इज एन आइडेंटिटी इन एक्स, ये वाला हमने क्या लिखा, इज डिफाइंड फॉर ऑल। मुद्दे की बात है, काम वही होगा दोनों का, हमें ए का वैल्यूज बताना है क्या होगा, जिसके लिए ये एक आइडेंटिटी है। इसको ट्राई कर सकते है, बेसिक क्वेश्चन ये, क्लियर ना। कैसे करेंगे इसको, यदि आइडेंटिटी दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी दिया हुआ है, इसका मतलब LHS और RHS सेम फॉर ऑल x, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट। ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 है। राइट हैंड साइड तो देख भाई सब जीरो ही है, तो जो नहीं होता है वो जीरो भी होता है ना। तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहां से a का कितने वैल्यूज फैक्टराइजेशन कर चुके हो ना, 1 और 2, दो वैल्यूज आ चुके हैं,
फैक्टराइजेशन तो डायरेक्ट कर लेते हो। लेफ्ट हैंड साइड x का कोफिशियंट क्या है, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स, जीरो है ना, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, टू और थ्री। लेफ्ट हैंड साइड कॉन्स्टेंट टर्म क्या है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो a इज इक्वल टू टू और माइनस टू। अब देखो यहां से कोई बच्चा क्या बोल सकता है, यदि हमने पूछा है, जेई मेन ने भी पूछा था, यदि हमने पूछा है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a, तो नंबर ऑफ वैल्यूज क्या आ रहा है भाई, एक दो तीन चार आ रहा है, कोई बोल सकता है चार, क्लियर। क्या ये सही में चार ही होंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एज फोर ही होगा क्या, गौर से देखो, कैसे देख सकते हैं, जैसे मुद्दे की बात, आदमी क्या बोल रहा है, a इज इक्वल टू वन भी होगा, हम a वन रखते हैं, a यदि वन रखे, a यदि इसमें वन रखते हैं तो ये वाला जीरो आ जा रहा है, आ रहा जीरो, लेकिन ये वाला नॉट जीरो आ रहा है और ये वाला भी नॉट जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, लेकिन हम आइडेंटिटी लिए हुए हैं, आइडेंटिटी का मतलब हमेशा तीनों जीरो होना चाहिए, कोफिशिएंट वाइज कॉन्स्टेंट टर्म वाइज सारे जीरो होने चाहिए, नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब a इज इक्वल टू वन हम नहीं ले सकते भाई, मतलब सॉरी a का वो वैल्यू लेंगे जो तीनों में हो, जो कॉमन वैल्यू, तो कॉमन तीनों में क्या है भाई, कॉमन तीनों में क्या है, ओनली टू, तो a इज इक्वल टू हमें क्या लेना है, टू, ओनली a इज इक्वल टू टू, ये एक ऐसा डेटा है जो कि रखने पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट, एक्स का कॉफिशेंट और कॉन्स्टेंट टर्म तीनों एट ए टाइम जीरो हो रहे हैं, यही हमारा a का वैल्यू है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a, है कितने वैल्यूज ऑफ a, वन, नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा गया था ना, तो a का क्या वैल्यू होगा, दैट विल बी इक्वल टू टू, a के कितने वैल्यूज होंगे, दैट विल बी इक्वल टू वन, ये जेई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम आसान है ना। अभी हम आगे क्वाड्रेटिक जब करेंगे तो उसमें एक और आइडेंटिटी बेस्ड होगा, कि अभी भी जैसे कुछ बच्चे यदि जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं, मैक्सिमम दो, कितने रूट्स होते हैं बच्चों, दो होते हैं। अब यदि मैं पूछूं कि इफ दिस क्वाड्रेटिक हैज मोर देन टू रूट्स, तो क्या बोल सकते हैं, झूठ बोल रहा हो, यह भी हो सकता है ना एक आंसर, टीचर है झूठ बोल सकता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन में इस क्वाड्रेटिक के दो से ज्यादा रूट्स है, दो से ज्यादा तो तीन भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, यानी वो भी हमें याद रखना है कि यदि, ये तो क्लियर है ना भाई बच्चे, ठीक है, यदि किसी इक्वेशन के जितना डिग्री होता है, जितना मैक्सिमम पावर होता है, जितना डिग्री होता है उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स हो सकते हैं, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उससे भी ज्यादा रूट्स हैं, तो वो क्वेश्चन इक्वेशन रहता है, शिफ्ट हो जाता है आइडेंटिटी में, यानी इफ एनी इक्वेशन हैज इट्स रूट्स, इट्स नंबर ऑफ रूट्स मोर देन इट्स डिग्री, देन दैट इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी, बिकम्स एन आइडेंटिटी। ये अभी मैं क्यों बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन में, यानी कोई क्वेश्चन है आइडेंटिटी का, एक तो सीधे लिख देगा, देख भाई मैं आइडेंटिटी हूं, मतलब यही मेथड, एक तो लिख देगा डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यही मेथड, एक लिख देगा कि इफ दिस क्वाड्रेटिक हैज मोर देन टू रूट्स, इफ दिस क्वाड्रेटिक हैज मोर देन टू रूट्स, तब भी यही वाला यूज करेंगे मेथड, तब भी क्या करेंगे, यही वाला मेथड यूज करेंगे, क्लियर है। देखो कितना इंपॉर्टेंट, एकदम कॉफिशेंट कंपेयर करो, आंसर पाओ, ज्यादा कुछ टेंशन ही नहीं है इसमें, जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से LHS इज इक्वल टू RHS। जैसे अभी हमने बोला है कि इक्वेशन है मोर देन टू रूट्स दिए हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, काम वही करना है भाई, ठीक है, काम क्या करना है, वही करना है, ठीक है।
यहां तक क्लियर है? क्लियर नाउ? अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो आइडेंटिटी के क्वेश्चन कर लोगे। आइडेंटिटी का मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, आइडेंटिटी लिखा हुआ रहेगा या डिफाइंड फॉर ऑल x लिखा हुआ रहेगा या हैज मोर देन इट्स डिग्री रूट्स, तब भी हर जगह वही करेंगे। क्लियर है? जैसे इस पर बेस्ड एक सिमेट्रिकल क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं, ठीक है। द इक्वेशन, कोई भी छोटा इक्वेशन फिर से लेते हैं, ठीक है। द इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। हम कोई इक्वेशन ये लिखते लिखते, अच्छा द इक्वेशन ये ए टाइम्स एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी ले लिए प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस सी बी माइनस ए ले लिए प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ले लिया। तो हम बोले थे ना कोई भी छोटा क्वेश्चन एक ले लेते हैं। एक्स ये जो है दिस इक्वेशन, द इक्वेशन हैज ऑप्शन भी दे रखा होगा वन रूट, ऑप्शन बी टू रूट्स, ऑप्शन सी थ्री रूट्स और ऑप्शन डी इनफाइनाइट रूट्स। ठीक है ना? क्वेश्चन किसी को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल है? देख भाई, यदि सिमेट्रिकल नहीं होता ना तो मुझे कैसे याद होता? आप लोग को ये सब क्वेश्चन ना एज ए रिटर्न फॉर्म, पीडीएफ फॉर्म, पीपीटी फॉर्म, सब चीज अवेलेबल कोई भी करवा देगा, है ना। हम भी यहाँ से फोटो से इसको डाल सकते थे, लेकिन हमारा मेन मकसद है कि जो सिमेट्रिकल क्वेश्चन जब मैं सिमेट्री वाइज उसको रिकॉल कर सकता हूँ तो वाई नॉट यू, ठीक है। देखो हम इसमें क्या ले रहे हैं, पहले तो देखो ए ले रहे हैं, यहां पर ए लिए, फिर बी लिए, फिर सी, सिमेट्रिकल है। जब ए ले रहे हैं तो यहां बी और सी अंदर है, और बी ले रहे हैं तो सी और ए अंदर है, और सी ले रहे हैं तो ए और बी। देखो ऊपर में यदि ए है तो ए से माइनस किया हुआ है दोनों को, बी है तो बी से और सी है तो सी से, एकदम सिमेट्रिकल क्वेश्चन। क्लियर क्वेश्चन? मतलब चाहे तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि यहां से हम ए बी सी हटा दें, है ना, और वहां भी दूसरा लिख दे राइट हैंड साइड में। अच्छा बच्चों ये देख के बताओ कि ये जो क्वेश्चन है, अब ये तो पता चल गया सिमेट्रिकल है, ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एबीसी हमने कांस्टेंट ले रखा है ना, एबीसी कोई वेरिएबल नहीं है, एबीसी बिलोंग्स टू आर, यानी कोई भी कांस्टेंट है। और कंडीशन ऐसा है कि हम ले रहे हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, है ना। ये सब क्यों दिया रहेगा? देखो इसमें ना ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसा दिया है या ना दिया है तो हम क्या करें। हम एक्सेप्शनल उल्टा सोच सकते हैं, लेकिन कंडीशन इसीलिए दिया जाता है कि वो क्वेश्चन डिफाइंड हो। अब जैसे कोई बच्चा बोले सर देखो यदि बी ए के इक्वल हो जाए तब तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में ना, सारा वो मेंशन किया हुआ रहेगा जिससे वो क्वेश्चन क्या होगा, डिफाइंड होगा, ठीक है। इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे क्वेश्चन, जब हम सिमेट्रिकल लेते हैं, क्या लेते हैं, सिमेट्रिकल लेते हैं क्वेश्चन, जब सिमेट्रिकल लेते हैं ना किसी भी इक्वेशन को देखो तो हम ये सोचते हैं कि कुछ पुट करके भी आ सकता है क्या हम, ठीक है। यदि हम क्या कुछ पुट करके भी ले सकते हैं, तो यदि कुछ पुट करके ले लो तो भी क्या हो जाएगा उसमें, यदि हम x के जगह पर a रख दें, x के जगह पर a रख देते हैं, x के जगह पर क्या रख दें, a,
LHS देखो क्या आएगा, x के जगह पर a रखने से a माइनस बी ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी, ये तो पूरा का पूरा a आ जाएगा, पूरा का पूरा क्या आएगा a। x के जगह पर a रखने से ये पूरा का पूरा क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक, क्योंकि a माइनस a है। x के जगह पर a रखने से a माइनस a फिर जीरो हो गया, यानी LHS क्या आ गया भाई, सही से बताओ LHS क्या आ गया, a आ गया। RHS x है और x के जगह पर a रखेंगे, यानी RHS भी क्या हुआ, a हुआ। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS होगा, ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। यहां तक क्लियर है ना? इसका मतलब इस इक्वेशन का एक रूट वन है, एक रूट क्या है, वन। दूसरा, यदि हम इसको वापस करें, ठीक है, अब हम x के जगह पर क्या रखने वाले हैं, a के बाद क्या आता है भाई, जो सिमेट्रिकल डेटा, a के बाद आता है b। x के जगह पर यदि b रख दे तो b रखने से ये वाला अब पूरा क्या आ गया भाई, अब आ गया ये वाला जीरो, क्योंकि b माइनस b, ये वाला आ गया पूरा का पूरा b और ये वाला आ गया पूरा का पूरा जीरो। तो LHS में फिर b आ गया, RHS में x, x के जगह पर b रखे हैं, तो वहां भी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। अब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिमिलरली यदि हम c रखते, सिमिलरली यदि हम c रखते तो भी ये क्या होता, LHS इज इक्वल टू RHS, क्लियर है, सिमिलरली नाम का वर्ड इसीलिए यूज करेंगे इसमें। अब इसमें एक कैसा इक्वेशन था बच्चों, ये इक्वेशन था डिग्री टू का, देखो डिग्री टू का इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर टू है, नीचे में तो कांस्टेंट है ना सब, तो ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे भी चल भी क्या रहा है, क्वाड्रेटिक चल रहा है, ये है देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसके कितने रूट्स आ रहे हैं, तीन। किसी भी इक्वेशन से उसके डिग्री से ज्यादा रूट्स आने का मतलब वो इक्वेशन क्या बन जाता है, आइडेंटिटी। इसका मतलब देखो कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन ना थ्री रूट्स दे रखा है। अब किसी किसी बच्चे का आएगा कि चलो तीन रूट्स है, तीन रूट्स लगा के खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट रूट्स। अभी अभी हमने बता रखा है कि किसी भी इक्वेशन में रूट्स उसके डिग्री से ज्यादा आ जाते हैं, नंबर ऑफ रूट्स, तो वो इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाएगा, बन जाएगा एकदम से। देखो कितना आसान है, क्लियर है, यानी सिमेट्रिकल टाइप के क्वेश्चंस में डायरेक्ट हम ये सब कंडीशन लगा सकते हैं आइडेंटिटी बेस्ड, ठीक है। तो आइडेंटिटी जैसे इसी, देखो हमें सोचना होता है मैथ्स क्या है, और क्या डेटा रखें, और क्या हो सकता है, जैसे इसी में यदि हम सोचें, ठीक है, फिर से वापस कर लेते हैं। मान लिया जाए यदि हम क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ था, इसी क्वेश्चन में हम अगले फॉर्म में है ना, अगले फॉर्म में क्या है, थोड़ा सा चेंज कर ले, यहां पर हम ए स्क्वायर कर देते हैं, बी स्क्वायर कर देते हैं, और सी स्क्वायर कर लिए, यहां पर भी एक्स स्क्वायर कर ले, ये नया क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन सारे वही है, मतलब ये कैसा इक्वेशन हो गया भाई, अब कैसा इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई, डिग्री तो टू ही रह गया ना, हमने कांस्टेंट का स्क्वायर इधर किया था, इधर तो डिग्री टू ही था, उधर भी डिग्री टू हो गया, मिला जुला के तो डिग्री टू ही होगा, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें भी एक्स इज इक्वल टू सिमेट्रिकल है, ए कॉमा बी कॉमा सी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स तीन आ रहे हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। आंसर कितने रूट्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट रूट्स हो जाएंगे, सिंपल, क्लियर। अब देखो यदि किसी किसी क्वेश्चन में क्या करता है ना, सिमेट्री बी माइनस सी, बी माइनस ए के जगह पर कुछ और यहां कहीं पर स्क्वायर वगैरह कर दे, तो वो सब ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे फिर से यदि हम इस क्वेश्चन को
देखो सोच रहे हैं कि होता क्या है ना, हमें ध्यान देना है कि क्या होगा। जैसे हमने वापस किया, एक बार और वापस मान लिया जाए इसी क्वेश्चन को, यदि अब हम करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन में क्या कर लिए, पावर थ्री कर लिए, पावर थ्री कर लिए, यहां पर भी पावर थ्री, तो यहां पर भी उसी वे से सोल्व होगा। लेकिन देखो बच्चों ये कैसा इक्वेशन हो गया, ये हो गया डिग्री थ्री का इक्वेशन राइट हैंड साइड, और हाईएस्ट पावर को ही ओवरऑल इक्वेशन का डिग्री बोलते हैं। इट मींस दिस इक्वेशन इज ए क्यूबिक इक्वेशन, तो कितने रूट्स आने चाहिए, तीन, और आ भी रहे सिमेट्रिकल, काम तो वही कर रहे हैं भाई, है ना। देखो पुट करना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, रख के देखने में क्या है, ट्रायल ही तो है, ट्रायल करते जाओ, नहीं हुआ तो क्या हुआ, बाकी दूसरा मेथड होगा, लेकिन क्या पता ट्रायल में ही वो क्वेश्चन सोल्व हो जाए, हमें रूट्स वगैरह के बाकी मेथड देखने की जरूरत ही ना हो, है ना। इसीलिए ये क्यूबिक इक्वेशन है और तीन रूट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। अब ये इक्वेशन आइडेंटिटी बनेगा क्या, नहीं बनेगा आइडेंटिटी बनेगा नहीं, इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दिस इज ए क्यूबिक हैज थ्री रूट्स, सो नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज थ्री। क्लियर है, ऐसे तरह से अलग अलग टाइप के ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, हमें मतलब एक पर्टिकुलर मेथड्स देखने होते हैं, उस मेथड को ध्यान में रख के हम क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, देखो ये वाला क्लियर है ना। देखो फॉर्मेलिटी के लिए हमने क्या है ना, ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन किए हैं, बेसिक क्या, ये तो जेई मेन और जेई एडवांस का है, लग रहा होगा बेसिक, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन जेई मेन में डायरेक्ट आ जाते हैं, आइडेंटिटी बेस्ड। ठीक है, जैसे इसी पर बेस्ड, यहां तक क्लियर है ना। देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है ना, हमने एक क्वेश्चन भी ले रखा है इसी जैसा है, दिख रहा है ये क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन में क्या है, हमने ये दे रखा है कि हां क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन, एक इक्वेशन है जो कि मोर देन टू रूट्स दे रहा है, मोर देन टू रूट्स। अब गौर से देखो ये क्वेश्चन जो है ये किसका है, क्वाड्रेटिक का, ये क्वेश्चन किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर है मैक्सिमम, तो क्वाड्रेटिक के कह रहे दो से ज्यादा रूट्स हैं, तो बेसिकली ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं ना हम, तो देखो ये क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में जेई मेन में आ चुका है, वैसे वो भी आया हुआ था, ये उसके बाद आया हुआ है, तो देखो इसमें क्या करोगे भाई, कोफिशियंट फर्स्ट वाला पी स्क्वायर माइनस थ्री पी प्लस टू है जीरो, तो सेम पी इज इक्वल टू, फैक्टराइज तो पहले भी कर चुके हो, वन और टू आया है, पी स्क्वायर माइनस फाइव पी प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, फैक्टराइजेशन तो डायरेक्ट कर सकते हो ना, वन और फोर आया है, पी माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, फैक्टराइजेशन की जरूरत है नहीं, वैसे डायरेक्ट जीरो और वन लिख सकते हैं। याद हुआ होगा हमने वो वाला क्वेश्चन 15-20 मिनट पहले किया है, और हम अपने आप को इतना तो सोचते ही हैं कि भाई हम 15 मिनट में नहीं भूल जाएंगे, है ना, गजनी जानते हो ना, शॉर्ट टर्म उतने तो जरूरत है नहीं, तो अब 15 मिनट पहले ही किए थे, और 222 कॉमन आया था, यहां पर 111 कॉमन आया है, इट मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पी इज वन ना, वैल्यूज भी वन आया, और पी के कितने वैल्यूज आए वो भी वन आया, तो नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वन, सिंपल है ना, आसान है कि नहीं भाई, बहुत ही आसान है, ठीक है, क्लियर। तो आइडेंटिटी बेस्ड ये अभी लेटेस्ट में आया है क्वेश्चन, इसलिए इसको हमने ध्यान दिया, ऐसे तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्लास में अभी 10-15 मिनट पहले कर रखा है, जितने भी क्वेश्चन पजेस मोर देन टू रूट्स डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज एन आइडेंटिटी इन एक्स, ऑल कैन बी सॉल्व आउट बाय only single method compare coefficients constant term and so on, clear है ना। अब हम इसी को और आगे भी ले सकते हैं, जैसे ये हो गया identity based question, क्या हो गया
आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ बच्चों, आइडेंटिटी का मतलब डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, डिफाइंड फॉर ऑल। अब हम बोलते हैं इक्वेशन जो हमारा टॉपिक है, सोचो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने के पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के टॉपिक से जेई मेन या जेई एडवांस के तीन चार क्वेश्चन तो कर ही लिए हमने, अभी तक हमने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। ये होता है मैथ्स इन डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है, एकदम अंडरस्टैंडिंग पर चलना है। ऐसा नहीं कि बुक्स में दिया रहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स लिख लो, सब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये सब तो क्लियर है एकदम, है ना। वैसे हम करेंगे सारा एकदम बेसिक से। जैसे यदि हम इस पर लेते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो मुद्दे की बात है, हम क्या शुरू करेंगे, क्वाड्रेटिक, चलो बेसिक कर ही लेते हैं बेसिक। जैसे क्वाड्रेटिक है, अभी जो हमने शुरुआत में लिखा था कि क्वाड्रेटिक में अब इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर, बेटा ये वाला इक्वेशन जो है फैमिलियर है ना, कोई भी क्वेश्चन दिया होता है उसको ना गौर से हम ऑप्शन वाइज ध्यान देते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ये पुराने टाइम में बहुत हमारे भी डेट ऑफ बर्थ के पहले का क्वेश्चन है, जहाँ तक मुझे ध्यान है ये 1978 जेई एडवांस में आया हुआ, उस टाइम तो आईआईटी नाम था। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ना सीधे एक्स पूछा गया था, एक्स क्या होगा, ठीक है, बस और कुछ पूछा ही नहीं गया था। ऑप्शन पता है क्या दे दिया गया था, चलो ऑप्शन यही लिख लेते हैं, ए ऑप्शन माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी अंडर रूट, ये तो हमने शुरुआत में ही लिखा था ना माइनस बी वाला, ये सब ऑप्शन बी, बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट डिवाइडेड बाय टू ए, तीसरा ऑप्शन 2c अपॉन माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट, और चौथा ऑप्शन तो देख भाई एक नन ऑफ दिस तो पुराने टाइम में आता ही था, ठीक है। ये है चार ऑप्शन इसके। जब हमने क्वाड्रेटिक लिखा था ना भाई, तो फॉर्मूला तो उसी टाइम लिख दिया था, और मेरे हिसाब से फॉर्मूले सबको याद होंगे। देखो कितना आसान क्वेश्चन 1978 आईआईटी में आया था, पुराना है इसलिए आसान हो सकता है ना। अब देखो इसको कैसे करेंगे, होपफुली कुछ बच्चे तो सीधे इसका आंसर भी दे दिए होंगे, है कि नहीं। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, जैसे यदि हम सोच रहे हैं कि इसमें ना फोर गायब है, ये वाला देखो फॉर्मूले में फोर गायब है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन गया कट, ठीक। फिर बच्चा सोच रहा होगा कि इसमें ना माइनस गायब है, ये वाला यहां पर ना माइनस गायब है, इस वजह से ये हो गया कैंसिल्ड। फिर बच्चा क्या सोच सकता है, ये तो दिख ही गलत रहा है या अलग लग रहा है, गलत लग रहा है या अलग लग रहा है, बात बहुत जगह ना सिमिलर होती है ना, जो अलग लगता है वो हमें इन जनरल गलत ही शुरुआत में लगता है, ये मेरे पर भी सोच सकते हो। तो ये तो अलग लग रहा है, इसका मतलब पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, नन ऑफ दीज लगा देते हैं, ऐसा लगाते हैं जबकि ये गलत होता है, ठीक है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। देखो कैसे आएगा, हमें कोई भी क्वेश्चन ना, हमें कोई भी क्वेश्चन पता है क्या करना होता है, क्वेश्चन सोल्व नहीं करना होता है, जो हमारे पास ऑप्शंस है ना, या हमारे सराउंडिंग्स या जो हमारे लाइफ में ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना होता है ना। हमें आईआईटी क्रैक करना है तो हमें डीआईडी देखने की ज़रूरत नहीं है, है ना। यदि हमें जेई मेन अच्छे रैंक से पास होना है तो हम केवल उसकी ओर ही स्टडी करेंगे, है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें एक्ट करना होता है, ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो ये तो सब्जेक्टिव हो जाता, ऑप्शन दिया हुआ है इट मींस ये तो ऑब्जेक्टिव है, और ऑप्शन को ध्यान में रख के सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला तो मुझे लगता है सारे लोग को याद है ना,
एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो माइनस बी प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस होता है ना, हम केवल प्लस लेके चल रहे हैं क्योंकि हम ऑप्शन लाना चाह रहे हैं। क्या लाना चाह रहे हैं? ऑप्शन, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, यहां प्लस माइनस होता है भाई, ध्यान रखना, हम प्लस लेके चल रहे हैं। हमें ऐसा ही वाला टर्म नीचे में ट्रायल मारे कि क्या ये सही है। ट्रायल मारने में क्या जाता है भाई, है ना, हमेशा भाई ट्रायल हम मारते हैं, सामने वाला या वाली बोलती है थैंक्स बट नो थैंक्स, ओके, दूसरा मेथड भी तो है, तो हम वही अप्लाई कर देंगे। एक्स ये है, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तभी आ रहा है ना ये। कोई भी रूट वगैरह होता है या नहीं भी होता है, कंजुगेट ए प्लस बी है तो ए माइनस बी से, तो भाई मल्टीप्लाई डिवाइड तो अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, तो इसको क्यों ना कंजुगेट से यदि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। ये तो ऑलरेडी था, ठीक है, ये वाला आ गया माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट डिवाइडेड बाई टू ए, और यही से किया है ना, तो ये एज इट इज नीचे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देख रहे हो, गौर से देखो, ये आ रहा है हमारा a प्लस बी, ये आ रहा है a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो जल्दी से लिख दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ कुछ बच्चों को लग गया होगा कि ऑप्शन आ गया है, ठीक है, यही होता है कि अगले दो तीन स्टेप हमें माइंड में सोचने होते हैं। देखो बी स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस प्लस होता है फोर ए सी, फोर ए सी अपॉन टू ए, दैट इज कॉल्ड टू सी डिवाइडेड बाय माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, आया ना, ये आ गया, ठीक, माइनस। अब यहां पर यदि हमने प्लस लिया था, ठीक है, कहां पर, यदि इस क्वेश्चन में यहां पर प्लस लिया था तो यहां राइट हैंड साइड, यहां लास्ट में क्या आया, माइनस में, यदि यहां माइनस लेते शुरुआत में तो यहां क्या आता, प्लस आता, इसका मतलब यहां भी प्लस माइनस में आ गया ना, ये देखो आंसर आ गया ना सी, ये होता है। तो बेसिकली दो पॉइंट याद रखना है, एक, यदि ऑप्शन वाइज होते हैं ना तो हमें ऑप्शन को ध्यान में रख के क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। दूसरा भाई, आईआईटी जो था ना, चाहे 1978 में आता था या 2020-21 में आ रहा है, ऑलमोस्ट कुछ न कुछ माइनर मिस्टेक करने के लिए वो रहने देता था, जिसमें छोटे छोटे माइनर मिस्टेक लोग कर देते थे। जैसे इसमें यदि कोई बच्चा गलत करता है तो वो क्या करेगा, लैक ऑफ प्रैक्टिस, मतलब वो सोचता ही नहीं है कि हमें सॉल्व करके भी इसको लाना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन है ही नहीं कि कोई भी बच्चा गलत कर दे, ठीक है, क्लियर है यहाँ। तो ये हमें ध्यान देना होगा कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं, आ रहा है समझ में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेस, देखो ये इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कभी आ सकता है, ठीक है, क्लियर है ना, एकदम हमें सोचने वाले क्वेश्चन आते हैं कि किस तरीके से आ सकते हैं ये, है ना। अब जैसे देखो ये कितना बदल गया है जमाना, आज के टाइम में आता यदि क्वेश्चन तो बच्चा क्या बोलता, आपने ये तो दिया ही नहीं कि ए नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है क्वाड्रेट, ए जीरो रख ले नॉट डिफाइंड हो, आपने ये तो दिया ही नहीं कि सी नॉट इक्वल टू जीरो, चूंकि सी जीरो रख दे तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये सब जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, कंफ्यूजन है, कंडीशंस है, ये सब आज के टाइम में आने लगे हैं। आज के टाइम में तो यदि पेपर में ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन एज ए ब्रैकेट यूज होता है तो लोग उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर मानते हैं, और लिखा नहीं भी रहता है तब भी यूज कर लेते हैं। तो ये सब है कंफ्यूजन आज के टाइम में कि ये क्यों नहीं दिया हुआ है। इस वजह से आज के टाइम के जो क्वेश्चंस है ना, पुराने टाइम के क्वेश्चंस देखोगे, क्वेश्चन और ऑप्शंस, कोई कंडीशन नहीं। आज के टाइम में यदि पिछले 10 साल का पेपर देखोगे तो शुरुआती एक दो लाइन तो सेटिस्फाई कर रहा होगा कंडीशन कि ए नॉट इक्वल टू जीरो है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ये सब कंडीशन आने वाले टाइम के लिए सही है कि हम सोचने लगे हैं।
उस टाइम में तो देखो हम सोचते ही नहीं थे, बस क्वेश्चन दिया, हमने सोचा ही नहीं कि ए जीरो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, सेल्फ अंडरस्टूड है। पुराने टाइम में क्या होता था भाई, कहीं पर 1/x लिखा हुआ है तो हमें पता ही होता था कि x जीरो नहीं होगा, तभी 1/x लिखा हुआ है, अदरवाइज तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, याद है ना? तो ये सब हमें ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है ना? अब हमें ध्यान देना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्या क्या सोचने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां तक क्लियर है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लिया। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। देखो कुछ बच्चे जो होंगे वो जैसे ही इस डेटा को देखा उन्होंने कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, उन्होंने सोचा ये क्या आ गया। तो हमें कुछ घबराना नहीं है, जहां पर हम क्वेश्चन के बाद जेई मेन जेई एडवांस की करते हैं वहां पर मल्टीपल टॉपिक के कंसेप्ट मर्ज होते हैं, होते कोई टफ नहीं है, डिफरेंट टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 ऑलरेडी कुछ बच्चे इसको जानते होंगे, जानते हो? चलो मैं बता देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें डबल एंगल आता है लाइक 1 + cos(2θ)2। अब देखो इसी फॉर्मूले में थीटा के जगह पर यदि पाई बाई 8 रख दिए तो 2θ क्या हो जाएगा? पाई बाई 4, तो 1 + cos(π/4)2, 1 + 1/√2/2, √2 + 1/2√2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे 2√2 से, तो सीधे देखो हम यहाँ लिख देते हैं क्या आ गया, ये सारा रखने के बाद क्या आ गया, 2 + √2/4 आ जाएगा ना। बीच का कैलकुलेशन जो है ना वो फास्ट होना चाहिए, क्योंकि एक एक लाइन यदि लिखोगे ना भाई तो एक ही क्वेश्चन में 10 मिनट लग जाएंगे। हमें कम से कम 2-3 स्टेप ना माइंड में करना होता है टू क्रैक जेई मेन और जेई एडवांस, तब जाके क्वेश्चन 2-3 लाइन में होते हैं ना। कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 आ गया 2 + √2/4। जैसा कि बच्चों जानते हो, यदि किसी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रैशनल होते हैं जो कि दे रखे हैं, कैपिटल क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, जानते हो ना? यदि कॉफिशेंट्स रैशनल है, एक कॉफिशेंट तो 1 है, रैशनल है, तो यदि उसका एक रूट इरेशनल होता है तो दूसरा रूट भी उसी का कंजुगेट होता है, जानते हो ना? उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रूट है भाई, एक रूट यदि इसका 2 + √2/4 हो गया ना, तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 - √2/4। दोनों रूट्स पता है, सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा आ गया 2 + √2/4, अल्फा या बीटा किसी को भी बोल सकते हो भाई इसमें, ठीक है, बीटा ऑटोमेटिकली बाय प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स यानी नेचर ऑफ रूट्स यहां से सीधे आ गया। अब देखो अप्लाई कर दो वही पुराना बचपन का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यहाँ माइनस बी बाई ए क्या है, पी है, अल्फा प्लस बीटा ऐड कर दिए, √2 से √2 कट गया, 2/4 2/4 1 आ गया, यानी पी इज इक्वल टू 1 आ गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यानी यहाँ पर क्यू हो जाएगा, और देखो अल्फा बीटा दिया हुआ है, इट मीन्स 2 + √2 × 2 - √2 4 - √2 / 16 यानी क्यू इज इक्वल टू 1/8 आ गया। अब लग रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत आसान है, किन के लिए आसान है, जिनको ये सब डेटा याद होते हैं। किसी भी क्वेश्चन के 2 मिनट सोल्व करने के टाइम होते हैं, किसी भी क्वेश्चन को 10 मिनट में भी करने होते हैं। टाइम जो बचता है वो इसलिए बचता है कि जिसको 2 मिनट लगता है ना उसने इतने फॉर्मूले अपने प्रैक्टिस के थ्रू याद कर रखे हैं कि उसके सारे क्वेश्चन में 1-1, 2-2 मिनट ही लगते हैं। अब देखो बच्चों, यदि ये सब नहीं याद है तो हो सकता है ये क्वेश्चन ना सोल्व हो, नहीं याद है तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लेके सोल्व हो,
है ना। तो हमें बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, जो कि ट्रिगोनोमेट्री में कम बाकी जगह ज़्यादा यूज होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन यदि देखोगे तो प्रीवियस ईयर जेई मेन में आया हुआ है, ठीक है। देखो कितने आसानी से सोल्व हो गया और केवल डेटा वाइज है, क्लियर। तो हम ये सब क्या है ना, क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। कंडीशन याद है ना, स्टार टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ठीक, क्लियर है ये। अब देखो ऐसा है, इससे भी और एक आसान क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो देखो ये तो एकदम ही आसान है, देखते ही आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में ए और बी दिया हुआ है नेचुरल नंबर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हो, और एक रूट जो है या इसके दोनों रूट्स दिए हुए हैं प्राइम नंबर्स, यानी दोनों रूट्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहां से शुरू होता है भाई, टू से। फर्स्ट प्राइम नंबर टू, इवन प्राइम नंबर टू, ये दो चीज याद रखना। अब देखो इसके रूट्स है प्राइम नंबर, तो मान लेते हैं इसके रूट है P1 और P2। देखो रूट इन जनरल बचपन से अल्फा बीटा मानते थे, हम यहां पर P1 और P2 भी मान सकते हैं, कुछ भी है अपने मर्जी है। देखो सम ऑफ द रूट्स क्या है, P1 प्लस P2, P1 प्लus P2 क्या होगा माइनस बी बाई ए, P1 इंटू P2 क्या होगा 2b। देखो यहीं पर दिमाग लगाना है, दो प्राइम का प्रोडक्ट, देखो दो प्राइम का प्रोडक्ट, b यदि नेचुरल नंबर है भाई, देखो b यदि क्या है नेचुरल नंबर, तो 2 इंटू बी क्या होगा इवन नंबर, क्या होगा इवन। अब देखो दो प्राइम का प्रोडक्ट इवन कब होता है, जब उन दो में से एक प्राइम 2 होगा, तभी 2 के अलावा कोई भी दो डिफरेंट प्राइम होंगे वो कभी भी प्रोडक्ट इवन नहीं आएगा, हमेशा ऑड आता है। 2 एकमात्र प्राइम नंबर है जो कि इवन है, यानी यहां से ये पता चल गया कि यदि दो का प्रोडक्ट इवन है, दो प्राइम का, दैट इज एटलीस्ट वन ऑफ P1 P2, यानी एटलीस्ट वन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2, यानी इसका मतलब एक रूट आ गया 2, आ गया ना, कितना आसान है। एक रूट यदि 2 आ गया तो जानते हो रूट आखिर इक्वेशन के साथ क्या करता है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो एक रूट आ गया 2, तो 2 इसमें हम रख देते हैं, तो 2 इसमें यदि x के जगह पर रख दोगे, सो दिस इक्वेशन बिकम्स 4 - 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 2, आ गया ना। यही पूछा गया था कि a माइनस बी क्या होगा, हमें डायरेक्ट इसको फाइंड करना है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स के क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो जेई एडवांस के भी आए हुए क्वेश्चन होते हैं, हमें कंडीशन बस याद रखनी होती है, क्लियर, याद रहेगा। तो इसी को इस तरह से और हम आसानी से, देखो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें फाइंड मतलब करने पर लग रहा है कि 10 लाइन 15 लाइन में जाएगा, लेकिन ये हो रहा है 1-2 लाइन में, ठीक, ओके।